हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ विच स्टेट्स। तो छत्तीसगढ़ किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है इनमें से? तो देखिए, ये रहा आपका छत्तीसगढ़, ये बाउंड्री शेयर कर रहा है तेलंगाना के साथ, ये नहीं होगा आंसर। मध्य प्रदेश के साथ भी कर रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ भी कर रहा है, लेकिन वेस्ट बंगाल के साथ नहीं कर रहा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल तो यहाँ पे है। सो द आंसर इज सी। ओके, और ये छत्तीसगढ़ अपना बॉर्डर शेयर करता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है। भूरीबाई लाडोबाई आर द फेमस आर्टिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया। किस ट्राइबल कम्युनिटी से फेमस आर्टिस्ट हैं ये? तो ये बिलोंग करते हैं भील्स से। आंसर इज बी। ओके, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। किस प्लेस पे सिचुएटेड है ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय? ये सिचुएटेड है रायपुर छत्तीसगढ़ में। आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु का हाईएस्ट वाटरफॉल है थलैयार वाटरफॉल्स। ओके, तमिलनाडु में है और इसका एलिवेशन है 297 मीटर, मतलब समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 297 मीटर की है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? रातेल के नाम से भी जाना, इस नाम से भी जाना जाता है। और ये इंडिया में 6th रैंक रखता है वाटरफॉल्स में। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स आर द पार्ट ऑफ बुंदेलखंड प्लेटू? बुंदेलखंड प्लेटू का पार्ट कौन सा है इनमें से? तो देखिए, ये पार्ट है उत्तर प्रदेश में एंड मध्य प्रदेश में, बाकी ये महाराष्ट्र और राजस्थान का पार्ट नहीं है। देखिए, यहाँ पे है बुंदेलखंड। सो द आंसर इज बी, 2 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज कार्डमम आइलैंड? कौन से आइलैंड को कार्डमम आइलैंड भी बोला जाता है? तो ये कार्डमम आइलैंड है। आंसर इज सी। और ये कोरल आइलैंड है, कोरल आइलैंड है। इट इज़ वन ऑफ द आइलैंड ऑफ एमिनी द्वीप सब ग्रुप। अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ अंडमान आई ग्रुप आइलैंड ग्रुप इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ टू साउथ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो सबसे पहले इंटरव्यू आइलैंड, ये सबसे पहले इंटरव्यू आइलैंड रहेगा, फिर उसके बाद मिडिल अंडमान आइलैंड रहेगा। ओके, मिडिल अंडमान यहाँ पे है। फिर स्वराज द्वीप रहेगा, स्वराज द्वीप रहेगा। फिर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड रहेगा, 1, 2, 3, 4। सो द आंसर इज बी। डूंस आर फॉर्म बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रीजन? डूंस कहाँ पे फॉर्म होते हैं? ये फॉर्म होते हैं बिटवीन द शिवालिक हिमालयन एंड लेसर हिमालय। ओके, और ये सम ऑफ डूंस आर देहरादून, चुंबी, काठमांडू, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओशियन करंट? कौन सा ओशियन करंट नहीं है इनमें से? देखिए, क्यूरेशियो ओशियन करंट है, पैसिफिक ओशियन में है, ये पैसिफिक में है। ब्राजीलियन, ये भी ओशियन करंट है, ये आपका अटलांटिक में है, अटलांटिक में है। गल्फ स्ट्रीम भी आपका अटलांटिक में है, ये साउथ में है, ये नॉर्थ में है। जेट स्ट्रीम आपका ओशन करंट नहीं है, ये जेट स्ट्रीम और नैरो बैंड्स स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द अपर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। सो द आंसर इज डी। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग इंटरनेशनल डेटलाइन? इंटरनेशनल डेटलाइन के लिए ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है? तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट है, इट इज 180 लॉन्गिट्यूड। 180 लॉन्गिट्यूड जो होता है उसको इंटरनेशनल डेटलाइन कहा जाता है। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट गीजा पिरामिड कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री? गीजा पिरामिड कॉम्प्लेक्स कहाँ पे लोकेटेड है? ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये लोकेटेड है इजिप्ट में। ओके,
What is the production of food predominantly from the exploitation of domesticated animals called? तो production of food predominantly अगर exploitation of domesticated animals होता है तो उसको क्या कहा जाता है, इसको pastoralism कहा जाता है. okay, इसको और किस नाम से जाना जाता है? conventionally इसको herding के नाम से भी जाना जाता है या ranching के नाम से भी जाना जाता है. okay, what are centers with population of more than 1 lakh called? center with population of more than 1 lakh को कहा जाता है city. answer is A. which is the world's largest lake on an island? वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक किसी आइलैंड पे कौन सी है? तो ये है लेट नेटलिंग. आंसर इज डी. यहाँ पे है लेट नेटलिंग. लेक नेटलिंग इज अ कोल्ड फ्रेश वाटर लेक इन कैनेडा और ये बैफिन आइलैंड पे है और इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक ऑन एन आइलैंड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लैक सैंड बीच इन इंडिया? ब्लैक सैंड बीच इंडिया का कौन सा है? तो ये है तिथल बीच. आंसर इज ए. ये ब्लैक सैंड बीच है वलसाड डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पे गुजरात में, गुजरात की वलसाड डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, अरेबियन सी के कोस्ट पे है ये. इफ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग द इम्पैक्ट ऑन वेट ऑफ अ बॉडी विल बी मिनिमम ऑन विच अमंग द फॉलोइंग? अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर देता है तो वेट कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा? तो सबसे ज्यादा होगा आपका नॉर्थ पोल पे. आंसर इज बी. ऑस्ट्रेलियाज लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम इज मेड बाय? तो ऑस्ट्रेलिया का लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है डार्लिंग रिवर. ये रही आपकी डार्लिंग रिवर. ओके, और इसकी कुल लंबाई है 1472 किलोमीटर. ओके, टेरिटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टच द डेड सी? डेड सी ये रहा, इसको कौन टच नहीं करता? तो देखिए जॉर्डन टच कर रहा है, इसराइल टच कर रहा है, पैलेस्टीन यहाँ पे है टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, लेबनान टच नहीं कर रहा क्योंकि लेबनान इधर साइड है. ओके, मेरिडियन सी, मेडिटेरेनियन सी के साइड है लेबनान. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी विथ अटलांटिक सी? कौन सा स्टेट है जो मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक सी से कनेक्ट करता है? ये मेडिटेरेनियन सी है, ये अटलांटिक सी है, ये आपका अफ्रीका है, ये यूरोप है और यहाँ है आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. आंसर इज ए. ओके, किस राज्य में लुशाई ओरम नाम का दुर्लभ पौधा खोजा गया है? इन विच स्टेट हैज रेयर प्लांट नेम लुसाई ओरम बीन डिस्कवर्ड? तो ये डिस्कवर किया गया है मिजोरम में. आंसर इज बी. फोंगपुई नेशनल पार्क है यहाँ पे, वहाँ पे इसको खोजा गया है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.